राज्य साइबर सेल ने शातिर हैकर सटोरी को गिरफ्तार करते हुए इंटरनेशनल सटोरियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्टार इंडिया लिमिटेड की शिकायत पर इंदौर साइबर सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आईपीएल की बढ़ती दीवानगी के बीच इस खेल में सट्टे का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। इंदौर साइबर पुलिस ने आईपीएल के शातिर सटोरी को गिरफ्तार करते हुए इंटरनेशनल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल इंदौर में 12 मई को किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच हुआ था। उस मैच की फ्रीक्वेंसी चुराकर दूसरी जगह पर मैच को देखा जा रहा था। स्टार इंडिया लिमिटेड ने इंदौर स्थित राज्य साइबर सेल को इस बारे में शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। यह शातिर आरोपी मैच के सिग्नल चुराकर ऑनलाइन मैच का प्रसारण कर सट्टे का कारोबार चलाता था। पुलिस ने विदिशा के रहने वाले अंकित जैन को गिरफ्तार किया है। जो 12 तारीख को इंदौर में एक आईपीएल का मैच खेला गया था, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, उस मैच के प्रसारण के एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने, एक अनुबंध के माध्यम से स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टार स्पोर्ट्स के मालिक हैं, उनको दिए हैं 5 वर्ष के लिए। तो उन्होंने हमको शिकायत करी थी कि जो उनके सिग्नल हैं इस मैच के, चूँकि एक्सक्लूसिव राइट्स उनके पास हैं, तो मैच दिखाने के जो पूरा अधिकार है वो उन्हीं के पास है, उनके सिग्नल चोरी करके एक वेबसाइट है cbtfmagicbox.in, इस वेबसाइट पर वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और उस लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा उस पर बेटिंग भी चल रही है, यानी सट्टेबाजी भी, उसमें टिप्स भी दिए जा रहे हैं और सट्टेबाजी खिलाई भी जा रही है। इसी कड़ी में जब हमने मध्य प्रदेश के उसके नेटवर्क को खंगाला तो अंकित जैन उर्फ मोनू, ये एक युवक है जो विदिशा का रहने वाला है, इस युवक का नाम सामने आया जो लगातार इससे अमित मजीठिया के संपर्क में था और अमित मजीठिया के लिए काम करके और सट्टेबाजी कर रहा था। अंकित जैन से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसने उसमें 8 से 10 लाख रुपए अमित मजीठिया के कहने से लोगों से लेकर इस पे लगाना स्वीकार किया है सट्टेबाजी में, और उसको कुछ इसके एवज में कुछ फ़ायदा भी हुआ है, उसके भी कुछ अकाउंट्स में पैसे आए हैं। तो अभी हमने आज अंकित जैन को गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। उसने कुछ अन्य एजेंट मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अन्य एजेंटों के नाम भी बताए हैं, कुछ अकाउंट नंबर्स भी हमें बताए हैं जिसमें उसने पैसे जमा किए थे, और विवेचना हमारी अभी जारी। वहीं तफ्तीश में पता चला है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। फिलहाल पुलिस अंकित से पूछताछ कर पता कर रही है कि इस गिरोह के तार कहां कहां जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।